हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कुछ पांच मतलब 5 एक्सेल वीबीए स्मॉल कोड, मतलब जो एक्सेल वीबीए के मतलब पांच जो छोटे छोटे कोड्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जैसे कि जो न्यू लर्नर हैं एग्जैक्टली कि छोटे छोटे कोड कैसे लर्न कर सकते हो। एक तो रिकॉर्डिंग होता है और कुछ कोड होते हैं कि हम उन्हें मैन्युअली मतलब उनका कुछ आइडिया आ जाता है, तो वही कोड मैं मैन्युअली करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप छोटे छोटे जैसे ओपन फाइल, क्लोज फाइल, कॉपी एंड पेस्ट डेटा, देन क्लियर डेटा है यहाँ पे लिखा है लेकिन डेटा है एक्चुअली है, देन क्लियर डेटा एंड मैसेज बॉक्स। मतलब पहले किसी भी लोकेशन की फ़ाइल को अगर मुझे ओपन करवाना है वीबीए कोड के थ्रू तो वो मुझे किस तरीके से ओपन करवाना है, अगर मुझे उसे क्लोज करवाना है तो किस तरीके से करवाना है, कॉपी एंड पेस्ट डेटा मतलब कॉपी अगर हमारे पास कहीं पे डेटा है उसे किसी अदर लोकेशन पे पेस्ट कराना है या तो किसी डेटा को हमें क्लियर करना है, और मैसेज बॉक्स कैसे अपीयर करवा सकते हैं हम। तो ये मतलब उन लोगों के लिए जो बिगनर लेवल में जिनको वीबीए का नॉलेज नहीं है, तो किस तरह से छोटी छोटी टास्क हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले ओपन फाइल, राइट। तो ओपन फाइल के लिए लेट सपोज मेरे पास एक इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक फाइल है और ई ड्राइव में ये फाइल, ठीक है। इस वाली फाइल से मुझे ये वाली फाइल को मुझे ओपन करवाना है, फाइल नाम ही है इसका। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरी शीट में चले जाते हैं, वैसे इस शीट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुझे वीबीए का एडिटर ओपन करवाना होता है तो इसके लिए मुझे ऑल्ट F11 को प्रेस करूँगा। ऑल्ट F11 प्रेस करने के बाद ये मेरे पास विजर्ड ओपन हो जाएगा इस तरीके से, वीबीए का जो होता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन की ये वाला लेआउट आ जाता है मेरे पास। उसके बाद मुझे इंसर्ट में जाना है एंड देन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, राइट। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है, हमें ओपन फाइल करना है, राइट। तो ओपन फाइल के लिए यहाँ पे मुझे पहले एक सब रूटीन लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम मैं लिखूँगा यहाँ पे सब, और कुछ भी नाम दे सकते हैं, वैसे मैं इसका नाम देता हूँ ओपन डस्कोर फाइल, जिससे कि मुझे पता रहे कि यहाँ पे मैं फ़ाइल को ओपन करवाना, तो कुछ रिलीवेंट नाम देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मेरा सिंपल सा कोड होता है इसके लिए वर्कबुक्स डॉट ओपन, बस इतना ही लिखना है आपको। फिर आपको अपनी फ़ाइल के लोकेशन में जाना है, ये है मेरी फ़ाइल का लोकेशन। तो यहाँ पे आपको इस फाइल को अगर ओपन करना है, इसकी डायरेक्ट लोकेशन जानना चाहते हो, तो एक तो हमारा होता है राइट क्लिक, राइट क्लिक के साथ हमारे ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं कॉपी क्रिएट डिलीट। एक दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास जिसमें हम पहले अपने बट शिफ्ट को प्रेस करते हैं, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद राइट क्लिक माउस से प्रेस कर देते हैं, राइट। पहले हमने सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, राइट क्लिक को कर दिया, तो राइट क्लिक जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए ज़्यादा ऑप्शन आने लग गए हैं, कुछ शेयर द स्काइप, इसमें हमारे पास होता है कॉपी एज अ पाथ, मतलब शिफ्ट के साथ अगर हम राइट क्लिक करेंगे माउस का तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे, इसमें हमारे पास कॉपी एज अ पाथ वाला ऑप्शन भी आ जाता है। इस वाले ऑप्शन पे हम अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये पूरे के पूरे पाथ को कॉपी कर देता है। तो यहाँ पे अपने एडिटर को ढूंढने के लिए आप ऑल्ट F11 प्रेस कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, और ओपन के बाद आप वो वाला जो आपने पेस्ट किया डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, राइट। तो इसने मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कॉपी एज अ पाथ से ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब इस कोड को रन करते हैं, रन कराने के लिए एक तो होता है हमारे पास इस वाले बटन से हम रन करवा सकते हैं रन सब, और या तो F5 प्रेस कर सकते हैं। एक होता है हमारा डिबग मोड में रन करने के लिए, उसके लिए हम F8 की प्रेस कर सकते हैं। तो F8 की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे येलो कलर का एक सिंबल आ जाएगा, F8 देन अगेन F8 देन अगेन F8। जैसे मैंने F8 किया तो मेरी फ़ाइल ओपन हो गई है, देखिए फाइल वाली जो फाइल है डायरेक्टली मेरी ओपन हो गई है, राइट। तो इस तरीके से किसी भी लोकेशन में अगर आपकी फ़ाइल है अगर उसे आपको ओपन कराना है तो सिंपली ये होता है वर्कबुक्स डॉट ओपन, फाइल का पाथ डॉट XLSM, उसे राइट क्लिक करके साथ शिफ्ट और राइट क्लिक के साथ प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉपी हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा क्लोज फाइल, लेट सपोज मुझे अभी मैं ये फाइल को बंद कर देता हूँ, इसको जो मेरी करंट में अभी ओपन हुई थी स्विच विंडोज़ मैंने बंद कर दिया एक्चुअली वो ऑलरेडी। अब मुझे यही वाली फ़ाइल को अगर मेरी ओपन है तो मुझे इसे क्लोज़ करवाना है, तो इसके लिए मैं लिखूँगा एक नया सब रूटीन सब क्लोज वर्कबुक। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन इसको स्पेस नहीं होना चाहिए, जो भी यहाँ पे सब के बाद जो भी लिखें क्लोज अंडरस्कोर वर्कबुक सी अंडरस्कोर W भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वैसे
लेकिन अगर आप रिलीवेंट नाम लिखते हैं, जैसे मैंने ओपन फाइल लिखी, मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट का नाम मेरा ओपन फाइल है तो ओपन फाइल करेगा। अगर मैं सब ए बी सी डी लिख देता तो मुझे समझ नहीं आता, फिर मुझे यहाँ पे इसकी कोडिंग चेक करनी पड़ती। तो रिलीवेंट नाम लिखते हैं तो उससे हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है एग्जैक्टली ये किस चीज़ से हमारा कोड है। तो मैंने इसलिए क्लोज़ वर्कबुक लिखा है। तो क्लोज़ वर्कबुक में मुझे यही वाली फ़ाइल को बंद करवाना है। जैसे मैंने सपोज़ ये फाइल ओपन करी, लेट सपोज़ कि कोई भी फाइल अगर ओपन है तो उसका फाइल का नाम प्लस उसका जो भी एक्सटेंशन है वो आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, आपको लिखना है वर्कबुक्स। वर्कबुक्स इसलिए लिखते हैं कि बहुत सारी वर्कबुक्स भी हो सकती है, जैसे कि मेरी एक तो यही वर्कबुक्स है, वर्कबुक है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ऐसी मल्टीपल वर्कबुक हैं और मुझे सिंपली एक पर्टिकुलर वर्कबुक क्लोज़ करवानी है। तो वर्कबुक वर्कबुक्स लिखना है, फिर उसके बाद मुझे उस पर्टिकुलर वर्कबुक का नाम लिखना है, ब्रैकेट क्लोज देन डॉट क्लोज लिखना है यहाँ पे सिंपल। F8 प्रेस करूँगा मैं अभी यहाँ पे डिबग मोड के लिए। ऐसे मैं डायरेक्टली यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, F8 सब फंक्शन नॉट डिफाइंड सब डॉट क्लोज वर्कबुक्स डॉट ओके। यहाँ पे मुझे लग रहा है इसका नाम मुझे क्लोज डॉट वर्क लिख देते हैं यहाँ पे। एक्चुअली कुछ सिस्टम डिफाइंड वर्क वो होते हैं जिसकी वजह से इसने पिक नहीं किया वर्क। ओके वर्कबुक्स का नाम भी गलत है। तो यहाँ पे मेरे वर्कबुक्स, यहाँ पे मैंने वर्कबुक का नाम गलत लिखा है, वर्क बुक्स वर्क टपलो। तो यहाँ पे मेरी फाइल ओपन हो गया, मैं इसे रन करता हूँ तो इसमें यहाँ पे आ रहा है सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरी फाइल ये है जो ओपन है ही नहीं मेरी, जिसको मैं क्लोज़ कराना चाहता हूँ। तो मैं इस फाइल को पहले ओपन करूँगा इस ऊपर वाले कोड से, तो मेरी फाइल देखेंगे फाइल वाली फाइल ये ओपन हो गई है। तो ये मेरी फाइल वर्कबुक्स डॉट क्लोज, तो मतलब अभी ये फाइल यहाँ पे ओपन है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी क्लोज़ हो गई है फाइल, राइट। तो अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, अभी यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है फाइव स्मॉल कोडेस। तो मैं फाइल ओपन करूँगा तो मेरी फाइल ओपन होगी ये वाली नई वाली, क्लोज़ करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली फाइल मेरी क्लोज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्लोज़ और ओपन फाइल को इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओपन और ओपन फाइल क्लोज़ फाइल हो गया। कॉपी एंड पेस्ट डेटा सेकेंड हमारे पास जो हमारा टॉपिक है, मतलब जो हमारा नेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट कैसे करना है। तो लेट सपोज़ मेरे शीट टू में डेटा है मेरे पास, ये वाला कुछ डेटा है जिसे मुझे शीट थ्री में पेस्ट करना है, राइट। तो जब भी आपको डेटा कोई पेस्ट करना हो, ये मेरा फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले से इसे वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। तो जब भी आपको कोई फॉर्मूले, जब भी आपको कोई डेटा वगैरह पेस्ट करना हो दूसरी शीट में, तो पहले आपको फॉर्मूले मतलब जो भी आपका डेटा है उसका वो देखना पड़ता है कि फॉर्मेट कैसा है, कैसे कहाँ तक इसकी रेंज है, कितनी इसके मतलब रोज़ में डेटा है। मतलब ये आपको नॉर्मली एक बार ऐसे देख के समझ में आ जाता है। तो उसके बाद एनालाइज करने के बाद ही आप उसके अकॉर्डिंगली आप, क्योंकि पेस्ट करने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, कॉपी करने के, फाइल ओपन करने के भी बहुत तरीके से मेथड होते हैं, वेरिएबल्स के थ्रू भी ओपन करा सकते हो, तो मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो एक बार आपका लॉजिक समझ में आ गया तो उसके बाद अगर आप धीरे धीरे करके इनको लॉजिक को बिल्ड करके अपने अकॉर्डिंगली भी कोड मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट। तो इसमें मैंने, जैसे कि मेरे को कोड नहीं आता है, मुझे इस डेटा को शीट थ्री में पेस्ट करना होता तो मैं क्या करता है इसको, तो मेरे क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लैंक रो नहीं है इस डेटा में, तो मैं कंट्रोल ए करता सिंपली कॉपी करके शीट थ्री में जाता और शीट थ्री में जाके इसे नॉर्मली पेस्ट कर देता। तो हमें यही सारे स्टेप्स मैक्रो के थ्रू करने हैं, राइट। तो मतलब मैं चाहे यहाँ पे क्लिक करूँ कंट्रोल ए करूँ तब भी मेरा पूरा डेटा पेस्ट हो रहा है, चाहे मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए करूँ तो भी मेरा पूरा डेटा पेस्ट हो रहा है। तो ऑल्ट F11 करके अपने कोड में जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे दो तो पूरे हो गए, हम थर्ड एक सब रूटीन तैयार कर लेते हैं, सब कॉपी पेस्ट डेटा डेटा। तो यहाँ पे मुझे सिंपली लिखना है कि शीट टू में मेरे पास डेटा है, तो अभी मैं इस शीट को तो एक्टिवेट नहीं करना है, एक्टिवेट का भी एक फंक्शन वो होता है, मतलब अलग फंक्शनैलिटी होती है, तो वो तो मैं इतने डीप में नहीं बता सकता अभी आपको, खाली आपको कॉपी पेस्ट वाला बताता हूँ। तो मुझे कम मैंने नॉर्मली कॉपी करने के लिए कंट्रोल ए देन कॉपी देन पेस्ट करके शीट थ्री में डाल दिया। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, रेंज किसी भी एक सेल में को कॉपी कर लूँगा मैं, रेंज A1 A1 पे कर लेते फिलहाल, डॉट
अच्छा, कंट्रोल ए करने के बाद सारा डेटा हमारा कॉपी हो जाता था, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे करंट रीजन। करंट रीजन से क्या होता है कि करंट रीजन हमारा ये होता है कि करंट रीजन हमारा कंट्रोल ए करने के बाद हमारा करंट रीजन है, मतलब जहाँ तक मेरा डेटा सिलेक्टेड है, राइट। डॉट कॉपी, कॉपी करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, शीट थ्री में पेस्ट करना है, तो शीट थ्री में पेस्ट करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे शीट, शीट्स लिखेंगे हम, क्योंकि मल्टीपल शीट है मेरे पास यहाँ पे, जैसे शीट 1, 2, 3, तो शीट्स यहाँ पे हम अपनी शीट का नाम लिख देंगे शीट थ्री। डॉट शीट थ्री जैसी मेरी सिलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद रेंज A1, A1 में जाएगा और डबल कोट्स में लिखना है इसे, और ब्रैकेट क्लोज, डॉट पेस्ट स्पेशल, इतना ही लिखना है। पेस्ट स्पेशल के बाद भी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। जैसे स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे और भी आपके पास और भी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, तो देखते हैं चलता है कि नहीं चलता ये वाला कोड। तो F8 किया मैंने, F8 किया, F8 से इसने पूरा कॉपी कर लिया, शीट थ्री में जाकर इसने डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। इसमें यहाँ पर शीट थ्री में जाएंगे तो देखिए डेटा आ गया मेरे पास। तो मल्टीपल मेथड होते हैं मेरे पास इस तरह से कॉपी पेस्ट करने के भी। अभी शीट थ्री में मेरा कुछ भी नहीं है डेटा, और अभी देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे करते हैं शीट थ्री डॉट, इसको दूसरी सेल में लेकर जाते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के मल्टीपल मेथड होते हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। डॉट सिलेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, देन यहाँ पे लिखते हैं रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल। मतलब पहले क्या होगा, मेरा रेंज A1 में जाएगा, रेंज A1 में जाने के बाद जैसे करंट रीजन होता है, कंट्रोल ए करेगा, कॉपी करेगा, शीट थ्री को सिलेक्ट कर लेगा और वहाँ पे रेंज A1 में जाके पेस्ट कर देगा। अब देखते हैं क्या करके, अभी यहाँ पे यही वाला डॉट डेटा मुझे कॉपी करना है। F8 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 कॉपी कर लिया इसने, शीट थ्री एक्टिवेट करी, A1 में जाके पेस्ट कर दिया, तो बहुत सिंपल सा है, राइट। मैं इस डेटा को एक बार फिर से बंद कर देता हूँ और करंट रीजन का एक बार फंडा आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे मैंने कॉपी किया इस डेटा को, कट कर देता हूँ इसे, मैं इसको मिडिल में पेस्ट कर देते हैं अभी यहाँ पे। तो अभी मेरा करंट रीजन में जैसे यहाँ पे करूँगा कंट्रोल ए, तो सिर्फ मेरा यही वाला पार्ट हो रहा है, जो ब्लैंक वाला नहीं हो रहा है, तो मतलब करंट रीजन मेरा ये वाला है, राइट। तो मैं ऐसे ही कुछ ये मेरे यहाँ पे देखता हूँ, एच कोई भी मतलब सेल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये किसी का भी रेफरेंस दे सकता हूँ मैं, जैसे H14 का दे दिया मैंने यहाँ पे कोड में अपने, जैसे मैंने लिखा था रेंज A1 डॉट करंट रीजन, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे H14 और F8 F8 F8। तो इसने ये वाला पार्ट कॉपी किया, शीट थ्री को एक्टिवेट किया, A1 में जाके पेस्ट कर दिया, बस सिंपल फंडा है इसका। तो ये बहुत छोटे छोटे कोड हैं, इसमें जैसे कि आप एडवांस लेवल में जाएंगे तो इनमें भी मतलब काफ़ी कुछ होता है ये, लेकिन काफ़ी शॉर्ट और सिंपल, मतलब ज़्यादा इसमें मतलब कोडिंग नहीं है, मतलब काफ़ी थोड़ा बहुत सिंटेक्स है, राइट। और क्लियर डेटा का आता है, क्लियर डेटा भी इजी होता है हमारे पास। लेट सपोज मुझे शीट थ्री का ये वाला डेटा को क्लियर करना है मैक्रो को थ्रू, तो मैं यहाँ पे एक और सब रूटीन लिख देता हूँ, सब क्लियर डेटा। इससे आप कंफ्यूज मत होना कि ये मैंने क्लियर डेटा लिखा है, अगर मैं यहाँ पे क्लियर डेटा के बदले सी डेटा भी लिख देता हूँ तो ये भी काम करेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे नाम मतलब खाली आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, राइट। तो मुझे ए से लेके ये वाला डेटा मुझे क्लीन कराना है, इतना डेटा क्लीन कराना है, A1 से लेके D15 तक। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ रेंज A1 to D15, ऐसे हमें पूरी रेंज को डिफाइन करते हैं इसमें, डॉट क्लियर कंटेंट्स F8 F8 F8। तो ये मेरा डेटा क्लियर हो गया, राइट। एक बार मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ इस वाले कोड से, इसे यहाँ से कॉपी करेगा, राइट। तो मैंने एक्चुअली शीट एक्टिवेट नहीं की रही, तो मुझे इस तरीके से कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, शीट थ्री में डेटा आ गया। अब दूसरी तरीके से मुझे क्लियर करवाना है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये होता है सब सी डेटा टू लिख देता हूँ इसको, दूसरी तरीके से बता देता हूँ आपको। जैसे हमने करंट रीजन वाला मेथड है वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट सिलेक्ट, मतलब करंट रीजन को जाए और सिलेक्ट कर दे, राइट।
सॉरी करंट रीजन डॉट यहीं पे लिख सकते हैं, नॉट सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, करंट रीजन डॉट यहाँ पे क्लियर कंटेंट्स लिख देंगे हम यहाँ पे, बस एक ही लाइन में हो जाएगा हमारे पास, F8 F8 F8, तो हमारा इस वाले कोड से भी हो जाएगा। तो अभी तक हमने ओपन फाइल, क्लोज फाइल, कॉपी पेस्ट, क्लियर डेटा के दो बता दिए मैंने आपको, तो इस तरीके से अब लास्ट हमारे पास आता है जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, वो हमारा मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स कैसे लिखते हैं हम, सब MSG मैसेज बॉक्स लिख देते हैं हम, मैसेज बॉक्स एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मुझे लिखना है, जैसे मुझे आज की डेट को प्रिंट करवाना है मैसेज बॉक्स में, तो लिखूँगा सर MSG बॉक्स देन डेट, बस इतना ही लिखना है, और F8 प्रेस करूँगा, F8 F8, तो देखेंगे आज की डेट आ गई है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट प्लस 20, तो मतलब आज की डेट में प्लस करके जो भी डेट होगी, 26 जुलाई दिखा दिया इसने, और मैं इसमें कर देता हूँ -100, -120 कर देते हैं। अब देखते हैं रन करा के, तो इसने मतलब 832020, मतलब हमारे पास सारी की सारी जो भी है मतलब मैसेज बॉक्स से आ जाएगा। मैसेज बॉक्स में ज़रूरी नहीं है डेट ही आपको प्रिंट कराना, अगर कोई नाम लिखना है आपको तो यहाँ पे लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग वैल्यू पेस्ट लिख को अगर आपको अपियर करवाना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और F8 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 हेलो वर्ल्ड आ गया, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ होते जैसे डेट नाउ लिखूँगा तो मेरे पास डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे, नाउ F8 डेट और अभी करंट का जो टाइम है वो मेरे पास आ गया है। तो इस तरीके से हमारा मैसेज बॉक्स का काम करता है। अगर लेट सपोज मुझे ये वाली वैल्यू को मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवाना है, तो इसका क्या है रेफरेंस B16, राइट। तो ये थोड़ा जो बिगनर लेवल वाले हैं उनके लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा। इसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेरिएबल मतलब होता है एक पर्टिकुलर, एक कंटेनर बोल सकते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक वैल्यू को हम स्टोर करवा के रख सकते हैं। डिम टेक्स्ट एज, मैं टेक्स्ट एज डिम टेक्स्ट एज इंटीजर, नॉट इंटीजर नहीं रखते इसे, स्ट्रिंग रखना है, सॉरी स्ट्रिंग, इंटीजर में हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रखते हैं। तो मुझे हमें कराना है B16 में जो भी है मतलब उसको मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवाना है। तो अभी टेक्स्ट हमने एक वेरिएबल रख दिया, टेक्स्ट में हम वो वैल्यू को स्टोर करा देंगे, टेक्स्ट इक्वल इक्वल टू रेंज B16, मतलब जो टेक्स्ट का जो हमारा टेक्स्ट से कुछ नहीं है, मतलब अगर मैं इसको टेक्स्ट के बदले अगर टी भी लिख देता हूँ ना तो टी भी काम करेगा, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है कि टेक्स्ट ही आएगा, तो टी लिखूंगा, ये खाली एक हमारा वेरिएबल है। तो टी में हमारा B16 की वैल्यू स्टोर हो गया, तो मुझे यहाँ पे लिखना है MSG बॉक्स टी। तो मेरे पास B16 की जो भी वैल्यू होगी पहले वो टी में स्टोर होगी, तो टी में आप कर्जर को लेके आएंगे तो टी में यहाँ पे भी दिख जाएगी आपको कॉपी एंड पेस्ट डेटा, राइट। और मैम MS बॉक्स से हम उसे प्रिंट करवा देंगे, मतलब दिख जाएगी हमें, अपियर हो जाएगी वो कॉपी पेस्ट डेटा। लेट सपोज मुझे क्लियर डेटा वाली करवानी है, तो B17 में है मेरे पास, तो यहाँ पे मुझे खाली यहाँ पे इसका एक रेफरेंस चेंज करना होगा, 17 लिखना होगा, और F8 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 क्लियर डेटा। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एक बार यहाँ पे कोई लंबा सा टेक्स्ट लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने इतना बड़ा टेक्स्ट, ये है मेरे पास कौन सी वे, इसका नंबर है B15, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे B15, मतलब B15 की वैल्यू पहले टेक्स्ट इस वाले वेरिएबल में स्टोर होगी, स्टोर होने के बाद मैसेज बॉक्स से ये प्रिंट हो जाएगी F8। ओके, यहाँ पे मुझे चेंज नहीं किया आई थिंक, यह B5 है, सॉरी ये B5 एफेट 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 एफेट, तो B5 में देखिए सारा का सारा मेरा टेक्स्ट आ गया। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे कोड हैं, इनको अगर आपको VBA अगर आप सीखना चाहते हैं तो इन छोटे छोटे कोड से प्रैक्टिस कर सकते हैं हर जगह, लेकिन जब आपको बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होगा तो काफ़ी मैनिपुलेशन लूप्स वगैरह होते हैं। तो इसमें मैंने खाली छोटे से कोड आपको बताए हैं कि जो बिगनर लेवल में उनके लिए, ओपन वर्कबुक, क्लोज वर्कबुक, पेस्ट स्पेशल, क्लियर डेटा एंड MSG बॉक्स, समथिंग लाइक दैट। तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप भी मतलब इसमें छोटे छोटे कोड बना के लर्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।